एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची चना दाल के कबाब, जिसको कि हम लोग टिक्की भी बोलते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं, लाल चटनी के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चना दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप चना दाल, जिसको कि हमने 4 घंटे फूलने के लिए डाल दिया था। और हमारा चना दाल अच्छे से फूल गया है और इसे हमने अच्छे से सुखा दिया है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार में इसे डाल दिया है और इसमें हमने 3 से 4 हरी मिर्च को भी डाल दिया है। ये देखिए, हमने इसे दरदरा पीस लिया है और एक मिक्सी बॉल में इसे हम निकाल लेते हैं। हमने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। तो ये देखिए, हमने सारे मिक्सी बॉल में चना दाल को निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर हमने 3 से 4 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, जिसको कि हमने बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़े से धनिया पत्ती है, अगर आपके पास चुकंदर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज और हरे धनिया को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, जो कि साबुत जीरा हमने लिया है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच हमने लिया है अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप 3 से 4 लहसुन के कली को दाल के साथ ग्राइंड कर लीजिएगा। अब हम इसे ज़रा सा और कुरकुरा बनाएंगे। तो इसमें हमने 3 से 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स के लिए हैं। तो ब्रेड क्रम्स डाल करके हमने हाथों को अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे हाथों से ही मिला लेंगे सारे मसाले को। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे मसाले को अच्छे से दाल में मिला लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल को दोनों हाथ में हम लगा लेंगे और इसके हम छोटे छोटे गोल गोल आकार का लोई ले लेंगे और हाथों की मदद से इसे दबाते हुए टिक्की का शेप देंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। इस तरह से गोल गोल टिक्की बना लेना है। और देखिए, टिक्की बना करके हमने एक प्लेट में इस तरह से रख दिया है। सारे टिक्कियों को इसी तरह से हमें गोल गोल शेप देना है और इस तरह से रखते जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्लेट टिक्कियों को पूरा बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में तेल डाल दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए। तेल हमारा परफेक्ट गर्म हो गया है। अब हम इसे गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर ही टिक्कियों को तलेंगे। याद रखना है कि पहले हमें तेल को पूरा हीट करना है, उसके बाद हम मीडियम आंच पर इसे अच्छे से तलेंगे ताकि अंदर से ये क्रिस्पी बने। तो एक बार में हमें जितना पैन में अटेगा हम उतना ही डालेंगे। देख सकते हैं कि हमने टिक्कियों को डाल दिया है। अब हम इसे 2 मिनट के बाद पलटेंगे और सावधानी से एक एक टिक्की को पलटेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही जल्दी टूटने का इसे डर होता है। तो धीरे धीरे एक एक टिक्कियों को हम इस तरह से पलटते जाएंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे। ये देखिए, हमारा टिक्की एकदम पर गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो हम इसे एक छलनी की मदद से निकाल लेते हैं। इस तरह से सारे टिक्कियों को हम निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो छलनी की मदद से नीचे आ जाएंगे। और इसी तरह से दूसरा टिक्की भी बना लेंगे। अब हम बने हुए टिक्कियों को एक
टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर सोख ले और हमारा टिक्की क्रंची बना रहे। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में न्यू विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।